तो क्वेश्चन है, अ 1 kg ब्लॉक अटैच्ड टू अ स्प्रिंग वाइब्रेट्स विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 Hz ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल. टू स्प्रिंग्स आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल स्प्रिंग आर अटैच्ड इन पैरेलल टू एन 8 kg ब्लॉक प्लेस्ड ऑन द सेम टेबल. सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ 8 kg ब्लॉक इज. तो जो स्प्रिंग मास सिस्टम होता है ये SHM करता है, और जो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है SHM की वो होती है 1/2 pi अंडर रूट K/m, ये फ्रीक्वेंसी होती है. ठीक है, 1 kg का ब्लॉक था वो 1 Hz की फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहा था. अब दो आइडेंटिकल स्प्रिंग अगर पैरेलल में लगाते हैं तो पैरेलल में जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है. तो जो के इफेक्टिव है वो हो जाता है K1+K2, और अगर दोनों आइडेंटिकल स्प्रिंग है, ठीक है, और ओरिजिनल स्प्रिंग के जैसे ही हैं, तो ओरिजिनल का अगर स्प्रिंग कांस्टेंट K था तो यहाँ पे नेट कितना हो जाएगा 2K, और इसको हम K2 बोल दें, ठीक है, और जो M2 है वो है 8 kg, और K1 जो है उसको हम क्या मान लें, K1 K के बराबर हो गया, ठीक है, K1 जो एक स्प्रिंग का कांस्टेंट था, और M1 जो है वो क्या हो जाएगा 1 kg. तो हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो बेसिकली F2/F1 की हम बात करें तो देखो इसमें प्रोपोर्शनैलिटी मैटर करती है. तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 1/2 pi तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी किस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है √K/m के. तो F2/F1 जो है ये आ जाएगा √K2/K1, क्योंकि K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो नीचे आएगा M2 ऊपर आएगा M1, ठीक है. तो K2/K1 जो है वो 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि K2 2K है और K1 K के बराबर है, तो ये आ गया 2. और M1 कितना है, M1 है 1, M2 है 8, तो ये 2/8 ये कटेगा, ये 4 आ जाएगा, और 4 का रूट होता है 2, तो F2/F1 1/2 आ जाएगा. यहाँ पे ये F1 है, सॉरी, ठीक है, F2/F1. तो F2/F1 क्या था, √K2/K1 (M1/M2). अब F1 1 Hz दे रखा है, तो जो F2 है ये आ जाएगा 1/2 Hz. तो जो आंसर है ये आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m लाइंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस इज अटैच्ड टू अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k. द अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एज शोन इन द फिगर. द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन. If now the block is pulled with a constant force F, the maximum speed of the block is. तो देखो ऐसे कभी भी एक स्प्रिंग मास सिस्टम है उस पर कॉन्स्टेंट फोर्स लग रहा है तो वो SHM करेगा, क्योंकि कोई भी पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर ऐसे लीनियरली मूव करता है, स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, और स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स या कोई भी ऐसा फोर्स जो टेंस पे डिपेंड करता है या डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है और कांस्टेंट फोर्स है, तो कांस्टेंट फोर्स जो है वो क्या करता है, किसी भी SHM के, कौन सा SHM, लीनियर SHM जो एक लाइन के अलॉन्ग हो रहा है, उसके टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट नहीं करता है, सिर्फ मीन पोजीशन को चेंज करता है. तो नॉर्मली एक स्प्रिंग मास सिस्टम SHM करता है जिसमें ये कांस्टेंट फोर्स F लग रहा है, तो ये SHM को अफेक्ट नहीं करेगा. तो बॉडी SHM करेगी, सेम फ्रीक्वेंसी के करेगी, सेम टाइम पीरियड के करेगी. टाइम पीरियड क्या होता है स्प्रिंग मास सिस्टम का, 2π√M/K. तो यहां भी जो टाइम पीरियड आएगा, तो टाइम पीरियड SHM का वही आएगा, 2π√M/K, या इसका ओमेगा की हम बात करें तो ओमेगा क्या होता है, तो ओमेगा होता है 2π/T. तो 2π/T की वैल्यू आ जाएगी √K/m. लेकिन हमसे यह पूछा है कि इसकी जो है मैक्सिमम स्पीड क्या होगी. अब देखो मैक्सिमम स्पीड SHM में हमेशा होती है मीन पोजीशन पे. अब मीन पोजीशन कहां होगी, जहां पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो.
तो ये जो ब्लॉक को हमने एफ फोर्स से खींचा, तो मान लो जो मेन पोजीशन है वहां तक स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आया। तो मान लो ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ वाली पोजीशन थी और ये स्प्रिंग की जो है मीन पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे नेट फोर्स जीरो होता है और स्पीड मैक्सिमम होती है। तो अगर नेचुरल लेंथ से मीन पोजीशन की डिस्टेंस हम एक्स नॉट माने, तो स्प्रिंग में एक्स नॉट एक्सटेंशन आया, तो स्प्रिंग ब्लॉक पे पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा होगा। कितना फोर्स लगा रहा होगा? ये के एक्स नॉट, ठीक है, और राइट में लग रहा है एफ। तो इक्विलिब्रियम के लिए एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एक्स नॉट। तो जो एक्स नॉट है ये किसके बराबर आएगा? एफ बाय के। और देखो ये नेचुरल लेंथ पे बॉडी किस पे थी? रेस्ट पे। तो यही एक्सट्रीम पोजीशन हो जाएगी। तो जहां रेस्ट पे होती है बॉडी एसएचएम में, वो एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये मीन पोजीशन हो गई जहां फोर्स जीरो है। और नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन के बीच की डिस्टेंस को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो यही चीज एम्पलीट्यूड हो जाएगी, सॉरी एक्स नॉट जो है एफ बाय के बराबर था, यहां गलत लिख दिया मैंने ओमेगा, ठीक है। अब जो मैक्सिमम स्पीड होती है एसएचएम में, तो वो मैक्सिमम स्पीड किसके बराबर होती है? ओमेगा इंटू ए। तो ओमेगा किसके बराबर है वो हमने ऊपर फाइंड किया है, अंडर रूट के बाय एम, ठीक है। यहां पे हमने फाइंड किया था कि ओमेगा जो है ये अंडर रूट के बाय एम के बराबर था, और ए जो है वो किसके बराबर है? एफ नॉट बाय के। तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी एफ नॉट बाय अंडर रूट एम के, ठीक है। तो एफ नॉट नहीं, ये सीधे सॉरी, ठीक है, तो ये एफ ही है, मैंने गलती से एफ नॉट कर दिया इसको, ठीक है। तो ये जो है इसमें आ जाएगा एफ बाय रूट एम के। तो जो आंसर है वो इसका हो जाएगा, थर्ड वाला आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग हुज अनस्ट्रेच्ड लेंथ इज एल हैज अ फोर्स कांस्टेंट के। द स्प्रिंग इज कट इनटू टू पीसेज ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ एल वन एंड एल टू, वेयर एल वन इज इक्वल टू एन एल टू एंड एन इज एन इंटीजर। द रेशियो के वन बाई के टू ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स कॉन्स्टेंट्स के वन के टू विल बी। तो देखो किसी भी स्प्रिंग के लिए क्या होता है, जो के होता है ये लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिंपल सी बात ये है कि जो K1 बाय K2 है वो आ जाएगा L2 बाय L1 के बराबर, और L2 बाय L1 हम क्वेश्चन से देख सकते हैं, यहाँ पे जो दे रखा है हमें L1 इज इक्वल टू एन एल टू, तो L2 by L1 किसके बराबर आ जाएगा? 1 by N के बराबर आ जाएगा। तो बस ये थर्ड इसका आंसर हो जाएगा।